नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज फिर मैं आपको मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आए हुए मैसेज का जवाब देना चाहूँगा। मेरे पास मैसेज आया है आर के एनगोम जी का। इन्होंने लिखा है, सर प्लीज़ एडवाइज रेमेडी फॉर नॉर्थ वेस्ट स्टेयरकेस। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी स्टेयरकेस नॉर्थ वेस्ट जोन में बनी हुई है, तो उसमें सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है, वहाँ पर आपने स्टोरेज नहीं बनानी है। कहाँ स्टोरेज नहीं बनानी है? स्टेयर्स के नीचे और स्टेयर्स के ऊपर, और स्टेयर्स की जो ममटी है उसके अंदर आपने स्टोरेज नहीं बनानी है। आपके यहाँ स्टोरेज बनी हुई है तो आप उस स्टोरेज को वहाँ से हटाएं, उस सारे सामान को वहाँ से हटाएं, वो एरिया आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसी के साथ आपने एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आपने स्टेयर्स के ऊपर ब्राउन कलर का स्टोन लगाया हुआ है या रेड कलर का स्टोन लगाया हुआ है तो वो आपके लिए हानिकारक रहेगा। आप उस स्टोन को बदलवा सकते हैं तो कोशिश करें कि उसको बदलवाएं, उसको बदलवा नहीं सकते तो कोशिश करें कि यदि वहाँ पर उसके ऊपर ग्रे कलर का या वाइट कलर का कारपेट बिछा सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप वहाँ पर ग्रे कलर का कारपेट बिछा सकते हैं तो उससे भी आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। आपके यहाँ लीगल इश्यू बने हुए हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये काम जरूर करें। छत के ऊपर आपकी ममटी बनी हुई है तो ममटी का दरवाज़ा दिन में 2-3 घंटे के लिए ज़रूर खोलें, उससे भी आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं, आप अपनी स्टेयर्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना रहे हैं, तो स्टेयर्स की जो 3-4 स्टेप की ठोस चुकी होती है उसको ज़मीन के अंदर बनाएं। पहला स्टेप फर्श के ऊपर हो, बाकी के सारे स्टेप बिना फर्श को छुए बनेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेकंड पॉइंट, आप ध्यान रखें, यदि आप अपने स्टेयर्स को वेस्ट की दीवार से बनाते हुए शुरुआत करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय आप अपने यहाँ पर करेंगे तो आपकी ये नॉर्थ वेस्ट की स्टेयर्स सही हो जाएगी, इसका दोष आपको नहीं लगेगा। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे अपनी स्टेयर्स की वीडियो बनाकर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपके माइंड में भी कोई अपनी साइट के प्रति क्वेश्चन है तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं, मैं आपके मैसेज का वीडियो के माध्यम से जवाब देने की कोशिश जरूर करूँगा। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति मेरे से ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी साइट का मैप भेजकर ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेगी, पेड रहेगी। आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बिल्कुल ईजी से ईजी समाधान, आसान से आसान समाधान बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको कम खर्च में अच्छे रिजल्ट मिल सके, आपकी समस्या का हल हो सके। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।